जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। सो दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है ये साइकिल को मॉडिफाइड करने में। जो है ना, मज़ा तो आया था लेकिन साइकिलिंग करने में और ज़्यादा मज़ा आ रहा है। ये देखिए, वाह क्या मस्त चल रहा साइकिल। क्या आप लोग भी इस तरह का साइकिल बनाना चाहते हैं? ये देखिए, और बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट है दोस्तों। ये देखिए, ज़रा सा भी भारी नहीं लग रहा है और बहुत ही मस्त है। तो साइकिल चलाने का जो मज़ा है ना दोस्तों, गजब का आ रहा है। क्या आप लोग चलाना चाहते हैं इस तरह का साइकिल? तो आपको तो मॉडिफाइड करना पड़ेगा और नहीं तो हमसे मिलना पड़ेगा इस तरह का साइकिल चलाने के लिए। तो चलिए एक बार राइड का मज़ा लेते हैं, छोटा सा एक स्टंट करते हैं। ये देखिए, ये देखिए, वाह कैसा है, मस्त है ना। तो दोस्तों, अभी तो फिलहाल साइकिलिंग करते हुए जा रहे हैं। एक छोटा सा लोकेशन है तो थोड़ा सा वहाँ छाँव मिलेगा। अभी जो है बहुत ही भयानक और गजब का धूप दे रहा है दोस्तों, कि क्या ही बताएं। ये देखिए, मॉडिफाइड वाला साइकिल चलाते हुए जा रहे हैं, लेकिन जो बोलिए दोस्तों, फीलिंग बहुत ही गजब का आ रहा है, यानी अमेजिंग। ये साइकिल का हम नाम भी रख दिए हैं OMG, कैसा है नाम बताइए। तो चलिए, इसमें और किस टाइप का मॉडिफाइड करें आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये देखिए, माथे में देखिए कितना ज़्यादा पसीना आ गया है, और जैसा कि धूप दे, गजब का धूप दे रहा है दोस्तों, बहुत ही तेज़ है धूप। सो दोस्तों, ये साइकिल को मॉडिफाइड हम क्यों किए इस तरह से? मॉडिफाइड करने का इसका रीज़न भी है हमारा, जैसा कि देख रहे हैं इसमें हम दोनों ही क्लच जो है न्यू लगाए हैं। ये देखिए, बेस्ट कंपनी का क्लच है। तो इस पर हम डेडिकेट वीडियो बना चुके हैं, आपको वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट को चेकआउट कर सकते हैं। तो इसको मॉडिफाइड किए हैं। ये एक पुराना साइकिल का हैंडल था दोस्तों, पुराना साइकिल के हैंडल बार को लगाए हैं, अच्छे से घिसाई वगैरह करके लगाए, क्योंकि कलर वगैरह नहीं दिख रहा आपको। और इसको हम कलर भी नहीं किए हैं, क्योंकि डायरेक्टली हमें मॉडिफाइड करना था, समय भी ज़्यादा हो रहा था, इसके वजह से कलर वगैरह नहीं किए। तो देखते हैं नेक्स्ट वीडियो होगा तो कलर का ऊपर में भी लाएंगे। तो ये टी आप देख रहे हैं, तो ये टी सामने का है, तो ये हम कटिंग करके इसमें लगाएं। पूरा वीडियो आप लोग देख चुके हैं, अगर नहीं देखें तो एक बार देख लीजिएगा। तो ये देखिए, यहाँ पर एक छोटा सा पाइप लगाए, हैंडल टी का आधा भाग है हम नीचे में वेल्ड कर दिए हैं। ये देखिए, तो इसका हाइट जो है बढ़ गया है। और दोस्तों, ये साइकिल का एक डिसएडवांटेज आप लोग को बताएंगे। ये साइकिल मॉडिफाइड तो कर लिए, चलाने में तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा, चलाने में कोई दिक्कत नहीं, यानी अमेजिंग लग रहा। कोई भी साइकिल को देख रहा तो एक बार देखता ही रह जा रहा कि ये गजब का साइकिल है भाई। क्योंकि दोस्तों, हमारे इधर में ऐसा साइकिल किसी के पास में नहीं है। ये जो सीट पिलर पाइप आप देख रहे हैं, तो इसको भी हम कटिंग करके वेल्ड किए हैं। अच्छे से समझने के लिए, जानने के लिए वो वीडियो को जरूर देखिएगा, आप लोग से हम रिक्वेस्ट करते हैं। अगर नहीं देखें तो देख लीजिएगा, आप लोग को बहुत ही ज़्यादा नॉलेज मिलेगा और बहुत ही ज़्यादा आप लोग को फायदा होगा। इसमें हम गियर करेंसेट जो है बड़ा साइकिल का लगाएं, रेंजर साइकिल का, ठीक है, जो कि लुक वाइज देखने में बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग लग रहा है। अब ये साइकिल को जो है दोस्तों, बड़ा आदमी भी चला लेगा, अगर कोई बूढ़ा आदमी है वो भी चला लेगा, कोई जवान व्यक्ति है वो भी चला लेगा, अगर कोई बच्चा है तो वो भी चला लेगा। बच्चा कैसे चलाएगा? सीट का हाइट को पूरा नीचे करके एकदम आराम से चला लेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन सीट का हाइट नीचे नहीं होगा, इसमें छोटा पिलर पाइप लगाना हो, छोटा हैंडल टी लगा, ये साइकिल जो है फिर से छोटा हो जाएगा। और दोस्तों, ये बड़ा तो अभी बना ही दिया मॉडिफाइड करके। तो इस तरह से अगर आपके पास साइकिल है, आपका बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, आप सोचते कि थोड़ा बड़ा साइकिल ले दे, लेकिन बहुत ही ज़्यादा बड़ा साइकिल आपको लेना पड़ता है, जैसे हो गया आपका 24 इंची का हो गया, या फिर सीनियर साइकिल हो गया, तो उसका जगह में इस तरह का आप मॉडिफाइड थोड़ा बहुत कर सकते हैं, ज़्यादा नहीं, जितना आपको लगे उतना अपना हिसाब से। और दोस्तों, ये जो पाइप को हम हैंडल का ऊंचा किए हैं, तो बीच से हम कटिंग भी किए थे, कटिंग करके फिर इसका लेंथ को हम बढ़ाए थे, क्योंकि ये जो है ना दोस्तों, ये छोटा पड़ जा रहा था ज़्यादा, इसके वजह से। तो आप अपना हिसाब से कर सकते हैं। और हाँ दोस्तों, जैसा कि हम आप लोग को बताएं, ये साइकिल का एक डिसएडवांटेज बताएंगे। तो ये साइकिल का डिसएडवांटेज यह है कि बैलेंस बनाना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। अगर आप अच्छे से साइकिल चलाना जानते हैं तो ही ये साइकिल को चला पाएंगे, वरना नहीं चला पाएंगे। क्योंकि दोस्तों, छोटा व्हील होने के कारण से, लंबा हैंडल होने के कारण से, लंबा सीट होने के कारण से अनबैलेंस का आपको फेस करना पड़ेगा, ठीक है। ये चीज़ बहुत ज़्यादा इसमें एक डिसएडवांटेज है। तो हमें अच्छे से साइकिल चलाना आता है, इसलिए हम ये साइकिल को अच्छे से चला भी ले रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं हो रहा। स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हुआ था, तो एक दो बार चलाए तो वो क्लियरली हाथ बैठ गया, अब आसानी से हम ये साइकिल को चला पा रहे हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है, बाकी अदरवाइज कोई भी इसमें दिक्कत नहीं है। और हाँ दोस्तों, इसमें ट्यूबलेस टायर लगा हुआ, जो कि बच्चा साइकिल में ही रहता है वही टायर लगा हुआ है। तो देखते हैं बाद में होगा तो इसमें हम टाइट ट्यूब भी फिट करेंगे, अगर फिट करते हैं तो आप लोग को वीडियो जरूर देखने को मिलेगा। और इसमें हम कौन सा कलर करेंगे वो भी अभी तक डिसाइड नहीं किए हैं, अगर आप लोग कमेंट भी करते हैं तो वो भी देखेंगे कि किस हिसाब से कलर करेंगे, लेकिन सोचें कुछ अलग तरह का और यूनिक कलर करेंगे। नॉलेजफुल वीडियो हमेशा देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और हाँ वीडियो को लाइक कर दे। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट नॉलेजफुल वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।